लक्षणा न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल रहमान। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद से ही लगातार कांग्रेस पार्टी की फिर से उसी ताकत को उभारने के लिए कोशिश कर रहे, लेकिन उसमें वो कितने सफल हो पाए हैं और राजस्थान और देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या रही है और बीते जो चुनाव के नतीजे आए उस पर कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया क्या है, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से चिंतन मंथन कर रही है। लेकिन इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या सारी बातें कही है वो आप जरा एक बार पधारे हुए सभी नेतागण और हमारे नेता और इस देश के चाहता और कांग्रेस पार्टी को जो नई दिशा और एक नया जोश सब में जो लाए हैं श्री राहुल गांधी जी, मंच पर बैठे हुए केसी वेणुगोपाल जी, शक्ति सिंह गोयल जी, उदयभान सिंह अध्यक्ष जी और भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दिग्विजय सिंह जी, शैलजा जी, रणदीप सिंह, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, डीके शिवकुमार जी, किरण चौधरी जी और यहाँ पर मंच पर बैठे हुए मेरे पूरे साथियों और यहाँ जमा हुए भाइयों, बहनों, युवा मित्रों, मेरे किसान भाइयों, आज की ये यात्रा भारत जोड़ो यात्रा पानीपत में इतनी विशाल सभा हो रही है, ऐसी बड़ी सभा जो आयोजन किए हैं उस तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं को मैं अपना धन्यवाद देता हूं। और ये पानीपत हमने इतिहास में पढ़ा है कि पानीपत में हमेशा युद्ध होते रहे और यहाँ से हमेशा होते रही, और ये भूमि का गुण है कि लड़ाई करना और जीतना। वैसा ही आज भारत जोड़ो की जो लड़ाई है और हमारे नेता राहुल गांधी जी जो पदयात्रा अब तक 3000 किलोमीटर तक पूरा किए हैं और आगे अभी 300-400 किलोमीटर बाकी है, वो जल्द से जल्द कंप्लीट होगा और जम्मू कश्मीर में जाकर वहां पर तिरंगा झंडा फैलाएंगे। और ये उनका ये साहस और उनका ये धैर्य देखकर सबको अचंभा हुआ है। भाई हम तो राहुल गांधी जी को दिल्ली में देखते थे, एसी के कमरे में देखते थे, गाड़ी में देखते थे, लेकिन ये राहुल अलग निकले जो कन्याकुमारी से लेकर पानीपत तक अपना जो पदयात्रा पूरे किए हैं, ये इससे देखिए वो ठंडी में, पहले बारिश में, धूप में, हर तरह के सीजन में उन्होंने चलते रहा और उनके पीछे जो हमारे भारत जोड़ो यात्री हैं वो भी चलते रहे, इसीलिए मैं उनको बधाई देता हूं। और ये जो उन्होंने हमारे युवकों में धैर्य साहस दिलाया है,
ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये सब जो कुछ हो रहा है ये किसके लिए हो रहा है कि जनता को जो पीड़ा हो गई है और जनता का जो पीड़ा है उसको दूर करने के लिए, जैसा कि आज महंगाई बढ़ी है, महंगाई इतनी ऊपर चले गई है कि उसको सरकार नीचे लाने की कोशिश ही नहीं कर रही, क्योंकि उनको फिक्र नहीं है। वो हमेशा बड़े लोगों के साथ रहते हैं और उनको इस जो कीमतें इतने ऊपर चले गए, जो हमारे आवश्यक वस्तु के कीमतें इतने ऊपर, गरीब आदमी कोई उसको छू नहीं लेता या उनके सारी चीजों को अपनी पूर्ति नहीं करता, ऐसे एक वक्त इन्फ्लेशन, इस इन्फ्लेशन के खिलाफ उनकी लड़ाई है। दूसरी लड़ाई अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट 45 यानी 45 ईयर्स में इतना बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट कभी नहीं हुआ। आज उसके लिए वो रास्ते पे आकर लड़ रहे हैं। आज देखिए हर जगह युवा डिग्रियां लेकर, बहुत से इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एमबीए, एमए, बीए, बीएड होकर रास्ते पे गिरे हुए हैं। उनकी चिंता बीजेपी सरकार नहीं कर रही, उनकी चिंता मोदी जी नहीं कर रहे हैं, शाह जी नहीं कर रहे, और उनका एक ही काम बना है, जब से वो प्रधानमंत्री बने, जब से वो होम मिनिस्टर शाह बने, तब से उनका एक ही काम है कि देश में चुनाव 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 का भाषण ही करते, देश के बारे में उनका सोच कुछ नहीं है, युवकों के बारे में उनका सोच नहीं है, इन्फ्लेशन के बारे में उनका सोच नहीं, देश के आर्थिक परिस्थिति के बारे में उनका सोच नहीं है। जहां जहां इलेक्शन करवाना, जिन लोगों को तोड़ना, ईडी के मदद से, इनकम टैक्स के मदद से, हर चीज से वो इस्तेमाल करके कांग्रेस को तोड़ने का देखते हैं। राहुल जी के नेतृत्व में हम 6-7 स्टेट में हमारी सरकार आई थी, वहां के लोगों को किसने तोड़ा, किसने तोड़ा? बीजेपी के लोगों ने तोड़ा। किसी को पैसे देकर, किसी को लालच देकर, किसी को भयका के। तो आपने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार एक कोशिश तो जरूर कर रहे हैं, उनके बयानों से भी ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाती है कि पार्टी को फिर से उसी मजबूत फॉर्म में लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और एक बदलाव के भी जो है कदम उठाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर। लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी के हालात जो जस के तस बने हुए हैं, तो देखते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे अपने दम पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते क्या बदलाव कर पाते हैं कांग्रेस पार्टी में। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज को। धन्यवाद।